आप सभी का स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। मेरा सहयोगी संजय भैया मेरे साथ है। आपको बता दें, मारवाड़ी सेवा परिवार के सौजन्य से आज जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। वृक्षारोपण ये सबसे सर्वोपरि कार्यों में से एक माना जाता है। वृक्ष देव आदिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ की तरह होते हैं, जो खुद विष पान करके समाज के भले के बारे में सोचते हैं और उन्होंने कार्य किया है। ऐसा ही वृक्ष हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को निस्वार्थ भाव से लेती है और ऑक्सीजन हमें मुफ्त में देती है और हमें ग्लोबल वार्मिंग भूमध्य तापक्रम को से भी रक्षा करती है। तो इतने सराहनीय कार्य को आइए हम करीब से देखते हैं, चीज़ों को विस्तार से समझते हैं और इनका आगामी क्या कार्यक्रम है, इन तमाम सवालों को लेकर के हम आपसे रूबरू होते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। शहर से दूर कुदरत के बीच छुट्टियों के कुछ दिन बिताना है तो आयुष जंगल रिसोर्ट आपका स्वागत करता है। दुआर्स के खूबसूरतियों के बीच चारों ओर घने जंगलों से घिरा मूर्ति नदी के किनारे, यहाँ एसी नॉन एसी डिलक्स रूम के साथ साथ आनंद लीजिए स्वादिष्ट और हाइजीनिक खाने का। हमारे यहाँ जंगल सफारी के सुव्यवस्था के साथ साथ पिक एंड ड्रॉप सेवा भी उपलब्ध है। आज ही आए छुट्टियों के कुछ दिन बिताने आयुष जंगल रिसोर्ट गोरुमारा बंगलो के नजदीक न्या मूर्ति नदी लाटागुड़ी। आज ब्रह्मांड के समक्ष सबसे बड़ी चिंता का विषय अगर कुछ है तो वह ग्लोबल वार्मिंग भूमध्य तापक्रम। ऐसे में हम सभी का उत्तरदायित्व तो बढ़ जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की। सेवा परमो धर्म के लक्ष्य को लेकर के चलने वाली मारवाड़ी सेवा परिवार सिलीगुड़ी विजय जी अग्रवाल के नेतृत्व और तमाम पदाधिकारियों के सहयोग से वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया गया। आपको बता दें कि माझी आली ग्राम पंचायत प्रधान सुमित दत्तो के सहयोग से भुक्तिहाट गोंडामोर इलाके के वासियों को 2000 पेड़ों जिसमें फल और फूलों का वितरण किया गया। देखिए एक रिपोर्ट और चीजों को समझे विस्तार से। समाज में, किसी भी समाज में अगर माताओं बहनों का योगदान ना होना तो कार्य सफलता हो ही नहीं सकता है। इसी बीच में हमारे बीच दो माताओं का भूमिका भी है यहाँ पे मारवाड़ी सेवा परिवार में। एक बार आइए हम उनसे उनकी मनसा को जानते हैं और उनके क्या है कहना, उनकी बातों को उनकी जुबानी हम जानते हैं। तो आपका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। अपना परिचय पहले तो आपको नमस्ते, और मैं कुसुम झावर हूँ। तो हम लोग मारवाड़ सेवा परिवार की तरफ से वृक्षारोपण का इसलिए कर रहे हैं कि इतनी गर्मी जो उसको बचाने के लिए, ताकि हर घर में वृक्षारोपण करें। धन्यवाद। मैं कविता अग्रवाल, আমি বলবো কি গাছ লাগানো খুবই ভালো কাজ হচ্ছে। এটা সমাজে হওয়া দরকার ছিল খুবই, যে এই গরম উষ্ণতা যে বাড়তেছে তার মধ্যে যে গাছ লাগানো হচ্ছে, এটা সমাজের জন্য খুবই উপকারী আর এটা খুবই দরকার ছিল। এই জন্য আমি খুবই গর্বিত মারবাড়ি সেবা পরিবারের। আমিও একজন মেম্বার, কিন্তু মারবাড়ি সেবা পরিবারের তরফ থেকে এই কাজটা হচ্ছে, এর জন্য আমি খুবই খুশি। धन्यवाद पंकज जी। और विशेष करके आज का प्रोग्राम के विषय में जो आप पूछना चाहते हैं, ये आज ये बुटकी में हम लोग जो आए हैं और हमारे मारवाड़ी सेवा परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद है और सभी मिल करके एक उद्योग लिया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वर्ल्ड का, जिस हिसाब से ये दफ़े इंडिया में ही 52 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया, तो ये एक चिंता का विषय है। अगर ये तापमान आने वाले दिनों में और बढ़ता रहेगा तो लोग पापड़ हो जाएंगे, बहुत संख्या में आदमी मारे जाएंगे। और इसके चलते एक गाछ जो है एक प्राण है, ये नारा देते हुए हम लोग ने एक उद्योग लिया कि हमारे जो परिवार में मारवाड़ी सेवा परिवार में कि हमारे जो प्रोजेक्ट चेयरमैन विजय जी अग्रवाल जी को बना करके कि भाई विजय जी ये दफ़ा हम लोग को 10,000 गाछ लगाना है आपका नेतृत्व में, तो विजय जी अग्रवाल जी का नेतृत्व में 10,000 गाछ लगाने का जो उद्योग लिया है उसमें प्रथम चरण में फर्स्ट फेज में आज 2,000 गाछ हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा विशेष करके सहयोगी है हमारे सुमित दत्त साहब, इनका परिकल्पना जो है कि एक एक उनके जितने भी क्षेत्र है उसमें एक जन को दो गाछ, एक घर में दो गाछ अगर देंगे तो 10,000 गाछ आपका आराम से लग जाएगा। तो इनका कोऑपरेशन से, इनका सहयोग से और ऐसे प्रधान हम लोग को मिले हैं, डायनेमिक प्रधान, जिसके वजह से हम लोग
मारवाड़ी सेवा परिवार का ये प्रकल्प जो लिए हैं ये सब सक्सेस सफल होते देख रहे हैं, यही हमारी मतलब मारवाड़ी सेवा परिवार की चाहना है। धन्यवाद। प्रोग्राम के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, अपना परिचय देते हुए। नमस्कार, मैं विजय अग्रवाल मारवाड़ी सेवा परिवार का सदस्य, वाइस प्रेसिडेंट और आज के प्रोग्राम का प्रोजेक्ट चेयरमैन। ये कार्यक्रम का जिम्मा मुझे मारवाड़ी सेवा परिवार ने दिया, इसके लिए मारवाड़ी सेवा परिवार को धन्यवाद। ये कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे, आने वाले करीब 15 दिन तक चलाएंगे। 10,000 घास लगाने का हम लोग का उद्देश्य है। 10,000 घास में आज 2,000 घास हम लोग दे रहे हैं, बांट रहे हैं। ये जो घास है ये हम लोग माझी अली ग्राम पंचायत के अंडर में बांट रहे हैं और यहाँ के जो प्रधान साहब हैं वो प्रधान साहब का पूरा सहयोग हमें मिला है। इनके अंडर में जितने पंचायत हैं सब पंचायत को इन्होंने कल माइकिंग करवाया था और यहाँ पर मनुरुलदा है, मनुरुलदा का पूरा सहयोग मिला, मनुरुलदा यहाँ पर हम लोग का पूरा सहयोग कर रहे हैं। नमस्कार, हमारा नाम सुनील दत्त, माझी डिस्ट्रिक्ट प्रधान। ধন্যবাদ মারোয়ারি সেবা পরিবারকে আমাদের উপর এত বড় একটা দায়িত্ব দিয়েছে, গাছ লাগানোর দায়িত্ব। এই দায়িত্ব সহজে সবাই পায় না। গ্লোবাল যা দেখা তো যাচ্ছে 50 ডিগ্রি উপরে তো যাচ্ছেই, পরবর্তী এলে পতনই হতে পারে ধারণা বাইরে। এই কারণে গাছ লাগানো খুবই ভালো। আমরা এই দায়িত্ব আমরা নিয়েছি, প্লাস 3 দিন ধরে আমরা মাইকিং করেছি, মাইকিং করে সব লোকদের দেখেছি, দেখে আমরা দৃষ্টি ডিস্ট্রিবিউট করছি। ইনাদেরকে আমরা এটাও রিকোয়েস্ট করেছি, আমাদের আরও লাগতে পারে, ওনারা সহযোগ করেছেন যে আরও দিবে এনারা। আমরা আরও বাড়ি বাড়ি প্রতিটা বাড়ি বাড়িতে দেওয়ার আমরা চেষ্টা রাখছি। ধন্যবাদ।